हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज एसएससी किरण 10,500 प्लस से ज्योमेट्री का टाइप वन स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री आपका 20 चैप्टर में दिया गया है। टाइप वन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर वन परीक्षा 2012 और एसएससी सीपीओ एसआई असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर परीक्षा 2012 में। मतलब दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है बनाने का, आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस प्रकार का फिगर रहे तो ये दोनों का कोनों का योगफल बराबर ये होता है। अगर जो आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर कितना होगा 45 डिग्री, और यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो 45 डिग्री ऑप्शन नंबर दिया गया है, एक नंबर ऑप्शन। लेकिन इसका बेसिक अप्रोच क्या होता है, बेसिक भी आपको हम बता देते हैं। बेसिक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये जो 45 डिग्री है ये बिंदु है, यहाँ पर से हम एक इस प्रकार से लाइन ड्रा किए, जो मान लीजिए कि एल एम तो ये एन है। और ये ध्यान से आपको पता होना चाहिए सबसे पहला पॉइंट कि दो समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार से एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये ए डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी आपका ए डिग्री होगा। उसी प्रकार से ये बी डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, बी डिग्री होगा। तो ए और बी दोनों का जोड़कर कितना दिया है 45 डिग्री। दैट मींस कहने का मतलब ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर 45 डिग्री। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप बेसिक अप्रोच से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा 2012 का। क्वेश्चन का लैंग्वेज है दो रेखाखंड पी क्यू तथा आर एस एक दूसरे को, मतलब दो रेखाखंड है पी क्यू और आर एस। मान लीजिए कि ये आपका, देखिए ये आपका पी क्यू है और दूसरा आपका ये आर एस है। दो रेखाखंड पी क्यू और आर एस है जो एक दूसरे को एक्स पर इस तरह से प्रतिच्छेद करता है। ये आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है जिसका नाम हमने दे दिया एक्स। लिखा है क्वेश्चन में एक्स पी बराबर एक्स आर है। एक्स पी मतलब ये बराबर है एक्स आर के, ये दोनों आपका बराबर है। आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोण पी एस एक्स, इस प्रकार से हम लिख देते हैं कोण पी एस एक्स किसके बराबर है, ये आपका बराबर है कोण आर क्यू एक्स का, कोण आर क्यू एक्स का। दैट मीन्स कहने का मतलब अब यहां पर देखिए पी एस एक्स, पी एस एक्स मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण आर क्यू एक्स, आर क्यू एक्स मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है। और आपको इस प्रकार से बोल रहा है कि तो हमें कौन सा मिलेगा, ऑप्शन है पहला ऑप्शन पी आर बराबर क्यू एस, दूसरा ऑप्शन है पी एस बराबर आर क्यू। इसी प्रकार से तीन चार ऑप्शन आपको दिया गया है। देखिए बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। क्या करना होगा आपको, ये तो जानते होंगे समान भुजा के समूह कोण भी समान होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाले कोण ये वाला कोण और ये भुजा के सामने वाले कोण ये कोण आपस में बराबर होगी। उसी प्रकार से यहां पर तो आपको क्लियरली अब दिखना चाहिए, ये दोनों अगर जो दे दिया है इस प्रकार से ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो क्या होगा, यहां पर से दो साइड अगर जो हम ये पी एस लेते हैं तो ये आर क्यू बराबर होगा, अगर जो हम पी एक्स लेंगे तो यहां पर से आर एक्स के बराबर होगा, जो तो क्वेश्चन में दिया ही है लेकिन हमें जिससे मतलब है उतना। देखिए पी एस बराबर क्या हो जाएगा आर क्यू, जब कोई भी एंगल इस प्रकार से दिया रहे तो पहला दो साइड से यहां पर पी एस लिए और आर क्यू लिए, तो ये आपको ऑप्शन नंबर में डायरेक्ट इसे ही टेंट ट्रायल मेथड से भी बना सकते थे। तो पी एस बराबर आर क्यू ऑप्शन नंबर आपको कितना दिया गया है, दो नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दो के बाद तीन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेकर क्वेश्चन नंबर आपका टोटल जो दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक सारा का सारा क्वेश्चन आपका, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन आपका जिस कंसेप्ट पर बेस्ड है, यहाँ पर कंसेप्ट हम बताए हैं, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण जिसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे एक दूसरे का कोटिपूरक कोण बनते हैं। जैसे x और y दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होगा तो x का कोटिपूरक क्या होगा 90 माइनस y और y का कोटिपूरक 90 माइनस x। उसी प्रकार से समपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर से इंग्लिश आपको ध्यान रखना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होता है शॉर्ट में इस प्रकार से हम लिख देते हैं लेकिन पूरा लिख देते हैं एस यू पी एल ई एम ई एन टी आर वाई होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कोण आपका ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कब, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे अगर जो x का पूछेगा हमें संपूरक तो 180 माइनस y, y का संपूरक पूछेगा तो कितना होगा 180 माइनस x। तो इस प्रकार से आप तुरंत इस प्रकार के क्वेश्चंस को बना सकते हैं जब आपको ये कंसेप्ट पता हो। जैसे यहां पर एग्जांपल हम दे देते हैं कि 30 डिग्री का
30 डिग्री का कोटिपूरक या 30 डिग्री का पूरक, 30 डिग्री का पूरक कहेगा तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 30, यानी कि कहने का मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर दूसरा हम ले लेते हैं 120 डिग्री का संपूरक, संपूरक पूछे 120 डिग्री का संपूरक तो 180 माइनस 120 करेंगे, दैट मींस कहने का मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संपूरक क्या होता है 180 में से घटाएंगे और कोटिपूरक या पूरक या लंब पूरक के लिए 90 माइनस करेंगे, ये आपको बेसिक कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज है थर्ड नंबर कि यदि दो संपूरक कोण का अनुपात 2:3 है तो उनके मान डिग्री में बताइए, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर 1 पूर्ण परीक्षा 2013/20/7/2014 को सेकेंड शिफ्ट में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2:3 में दिया है। सबसे पहले इस प्रकार से हम ड्रा कर देते हैं और ये आपका दो कोण बनेगा, ये आपका 2:3 है तो ये आपका 3:3 है। अगर जो रेशियो में करेंगे तो ये दो, मतलब रेशियो से अगर जो हम निश्चित वैल्यू में करेंगे तो ये 2x होगा तो ये कितना होगा 3x होगा, और ये दोनों का योगफल डेट मीन्स कहने का मतलब 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस y बराबर 180 तो 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 180 तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 और 36/25 ऐसे होता है, डेट मीन्स कहने का मतलब x का मान कितना हो गया 36 डिग्री, तो दोनों को कितना हो गया मतलब 36×72 डिग्री, 36×8 से मतलब 108 डिग्री। तो ये 72 और 108 आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है, तीन नंबर ऑप्शन आपका 72 और 108 इस प्रकार से दिया गया था। इसके बाद देखिए इसका मेथड सेकंड आप रेशियो मेथड से बना सकते थे कि 2 और 3 यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया था, डेट मीन कहने का मतलब टोटल 180 होता है संपूरक, तो 180 तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेते कितना हो जाता 36 डिग्री, तो उसी प्रकार से 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता 36×72 डिग्री एंड 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता 108 डिग्री। तो 72 और 108 आपका ऑप्शन नंबर कितना था 3, इस प्रकार से भी बना सकते थे रेशियो मेथड से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 4। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 9/8/2015 को सेकंड शिफ्ट में, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री है तो उनमें से एक कोण कितना है। दो संपूरक कोणों का योगफल आपको पता है कितना होता है 180 डिग्री, और क्वेश्चन में दिया है दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है, डेट मीन्स कहने का मतलब 44 डिग्री प्रश्न में दिया है, तो दोनों कोण आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से x निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, डेट मीन्स 180 + 44/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर से जोड़ सकते हैं आप, इसमें कोई भी डाउट नहीं, डेट मीन्स कहने का मतलब ये कितना हो गया 112 डिग्री, और दूसरा कोण निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग देना है, डेट मीन्स कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 180 में से 144 घटाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पर से 17 में से 4 जाएगा, डेट मीन्स कहने का मतलब 13 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 2×6=12 और 2×8=16 डिग्री, यानी कि आपका दोनों कोण कितना हो गया 112 डिग्री एंड 68 डिग्री, ये दोनों कोण है, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, दोनों कोणों का अंतर कितना होगा 44, घटाकर देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया गया है, 68 डिग्री, 65 डिग्री, 102 डिग्री, 72 डिग्री, तो 68 डिग्री आपका ऑप्शन में है, 68 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, ये एक नंबर ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक इसके पूरक का 3 गुना जितना बड़ा है। तो मान लीजिए कि वो कोण आपका x है, वो कोण कितना है, वो कोण आपका x डिग्री है, क्वेश्चन में लिखा है कि उसके संपूरक और पूरक, तो पहले सबसे पहले x डिग्री का संपूरक और पूरक दोनों लिख लीजिए, x डिग्री का संपूरक कितना होगा, x डिग्री का संपूरक होगा 180 - x डिग्री, और x डिग्री का मतलब यहाँ पर भी डिग्री आप लिख सकते हैं 180 - x डिग्री, और x डिग्री का पूरक कितना होगा, तो x डिग्री का पूरक होगा 90° - x। हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कि पूरक होता है 90 माइनस करके और संपूरक होता है 180 माइनस करके, जो हमने यहाँ बताया। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है उस कोण का माप क्या होगा जिसका संपूरक, तो संपूरक कितना 180 - x किसके बराबर दिया है, जो बोल रहा है पूरक के 3 गुना, पूरक के 3 गुना, पूरक कहने का मतलब 90 - x का 3 गुना इस प्रकार से दिया है। इसे हल करना है तो 180 - x बराबर ये 270 - 3x हो जाएगा, -3x इधर आएगा तो +3x, ये -x ऑलरेडी है, इधर 270, ये डिग्री में आप लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, आपको समझना होगा उतना। तो 2x बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, x का मान कितना 45 डिग्री,
डेट मीन्स कहने का मतलब वो कोण आपका कितना हो गया, वो कोण आपका हो गया 45 डिग्री, और ये आपका 45 डिग्री ऑप्शन नंबर दिया गया है, 3 नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। ये पूछा गया है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 सीबीई परीक्षा 4/9/2016 को थर्ड शिफ्ट में यदि कोण 5y+62° और 22° + y संपूरक हो तो y का मान बताइए। आप जानते हैं दो संपूरक कब होता है, जब दो कोणों का योगफल 180° हो। दैट मींस कहने का मतलब ये दोनों जो दिया गया है कोण इस प्रकार से आपको दिया गया है, देखिए ये और ये पहला कोण कितना है 5y+62° 5y+62° और दूसरा कोण दिया है कितना 22° + y इस प्रकार से। तो आप जानते हैं पूरा ये दोनों कोणों का योगफल 180° के बराबर होगा, यानी कि 5y+62° और +22° + y बराबर कितना 180°। यहां से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y और 1y यानी कि 6y और 62 और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 84 और 180 के बराबर होगा ये। उसके बाद यहाँ पर 6y बराबर ये 180° में से आपको घटाना होगा ये 84°, तो कितना हो जाएगा घटा सकते हैं आप, यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6, 17 में से 8 जाएगा 9 और ये आप कैंसिल कर सकते हैं 16 + 96, यानी कि y का मान कितना हो गया 16°, और 16° आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये था 6, इसके बाद बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहीं पर बता देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपका है एक कोण अपने पूरक अपने अनुपूरक का 1/3 है तो वह कोण क्या है, पूरक या अनुपूरक या लंब पूरक या कोटिपूरक सभी 90- होता है, तो कोण मान लेंगे कि x है, वो कोण आपका कितना है, मान लिए कि कोण कितना है 1 डिग्री है। क्वेश्चन है कि कोई कोण अपने पूरक का 1/3 है, मान लिए कि ये x है जो अपने पूरक, इसका पूरक कितना होगा 90 - x, तो इसका कितना है 1/3 गुना है। अब इसे हल करना है तो 3 इधर आएगा यानी कि 3x° बराबर ये 90 - x गुना करेंगे तो 90 - x ही होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस एक्स इधर आएगा यानी कि +x 4x बराबर 90°, तो ये कैंसिल करेंगे 2 × 4 = 45°, 2 × 90° और 2x बराबर कितना हो गया आपका 45, तो x का मान यहाँ पर से आप डायरेक्ट बोल सकते थे 22.5° या 22 पूर्णांक 1/2° भी, तो 22.5° आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है। ये कितना नंबर ऑप्शन है 22.5° ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर ऑप्शन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये आपका था कितना 7, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 सीबीई परीक्षा 22 जनवरी 2017 को थर्ड शिफ्ट में, और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपका एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 सीबीई परीक्षा 20 जनवरी 2017 को थर्ड शिफ्ट में। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन एक कोण अपने पूरक कोण का तुलना में 30° से अधिक है, एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30° अधिक है तो वो कोण की माप बताइए। तो देखिए मान लीजिए कि वो कोण आपका थीटा है या एक्स भी मान सकते हैं, तो ये किसके बराबर है अपने पूरक का मतलब 90 - थीटा, इससे कितना है तो 30° अधिक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए लिखा गया है एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 30° अधिक है, मान लीजिए कि कोण थीटा है, इसका पूरक 90 - थीटा कितना अधिक है तो 30° अधिक है। -थीटा इधर आएगा तो +थीटा यानी कि 1 + 2 थीटा हो जाएगा 90 + 30 यानी कि 120, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट मीन्स कहने का मतलब थीटा आपका हो गया 60°, और 8 का 60° ऑप्शन नंबर दिया गया है 3 नंबर ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस नंबर 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चंस नंबर देखिए 9 नंबर क्वेश्चंस आपका पूछा गया है एसएससी सीएएफएस एएसआई एवं दिल्ली पुलिस एसआई ऑनलाइन परीक्षा 4/7/2017 को फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम पाली में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आपका दिया गया है इसमें, ये इस प्रकार से फिगर भी दे दिया है, आप देख सकते हैं फिगर भी दिया हुआ है। तो फिगर जब दिया हुआ है और इसमें यह कंडीशन दिया है ईएफ बराबर सीई बराबर सीए और कोण ईएसी, मतलब देखिए ई ए सी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है कि ये वाला कोण कितना होगा जो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए ई एफ और ई सी ये दोनों सीई या ई सी भी बोल सकते हैं, ये दोनों साइड्स आपको बराबर दिया है, तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से एक प्रॉपर्टी होता है समद्विबाहु त्रिभुज में कि दो बराबर भुजा वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तो बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं ये तो पता होगा। उसी प्रकार से देखिए ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके समूह कोण बराबर होंगे, इस भुजा के सामने वाले कोण ये वाला हो गया और इस भुजा के सामने वाले कोण ये हो गया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मान लिए कि ये x है तो ये भी आपका x होगा, इस प्रकार से आपको समझना है डिग्री में ये x डिग्री तो ये भी आपका x डिग्री है। इसके बाद देखिए आगे लिखा है कि CE बराबर CA है, ये तो हमने देखिए CE हो गया CE या EC जो भी बोलिए और CA CA कहां है ये है, ये आपका क्या है CA या AC भी बोल सकते हैं AC या CA,
तो ये दोनों अब आपस में बराबर है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर है। तो क्या करेंगे यहां पर से, ये दोनों बराबर है तो आपको पता होना चाहिए इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। दैट मींस कहने का मतलब ये वाला अगर जो हम बाई डिग्री मानते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, बाई डिग्री ही होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख कोण ये वाला और इसके सम्मुख कोण ये वाला बराबर होगा आपस में। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये कोई रैखिक युग्म है, ये कोई रैखिक युग्म है और यहां पर से ये टोटल जैसे संपूरक का कंसेप्ट लगाएंगे यहां पर टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर जो ये एक्स है तो ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये पूरा यहां से यहां तक अगर जो हम देखें यहां से यहां तक तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से ये वाला दोनों कोण मिलाकर कितना होगा, ये दोनों कोण मिलाकर होगा आपका 96 डिग्री। मतलब टोटल 180 है ना, 180 में से ये x घटाएंगे और 96 घटाएंगे, दैट मींस ये वाला एंगल हम इधर निकाल रहे हैं आपको 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री और माइनस ये x डिग्री। इस प्रकार से आपका ये वाला एंगल हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना होगा जो, तो 180 में से 96 पहले घटा लीजिए तो 10 में से 6 जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 4 और 17 में से 9 जाएगा 8 यानी कि 84 डिग्री माइनस x। यहाँ पर ये वाला कोण कितना हो गया जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 84 डिग्री और माइनस एक्स, ये वाला एंगल इतना हो गया। अब आपको पता होना चाहिए ये एक प्रॉपर्टीज होता है, देखिए यहां पर हम बता रहे हैं ये प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये वाला एंगल अगर जो हम यहाँ पर ले रहे हैं जेड और ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो बाह कोण किसी भी त्रिभुज में सुदूरअंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर आपका क्या होगा जेड, या जेड बराबर एक्स प्लस वाई, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहां देखिए क्या करना है कि ये दोनों एंगल, इससे आपका इस ट्रायंगल में अगर जो ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल में तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों आपका सुदूर बाह कोण है और मतलब अंतः कोण है और ये बाह कोण है, यानी कि हम बाई बराबर लिख सकते हैं, ये बाई बराबर लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स। इस प्रकार से दैट मींस कहने का मतलब बाई बराबर आपका कितना हो गया 2x, बाई बराबर 2x हो गया। तो ये बाई डिग्री की जगह पर हम लिख सकते हैं 2x और ये भी बाई डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं 2x। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा और तीनों कोण आपको पता है, यानी कि इस प्रकार से 2x प्लस 2x, ये 2x, ये 2x और ये 84 माइनस कितना है x, 84 माइनस x बराबर कितना 180 डिग्री। अब दो दो चार में से एक घटा देंगे, या दो दो चार हो गया और में से एक घटा देंगे यानी कि 3x हो गया, और 180 में से 84 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, 17 में से 8 जाएगा 9 यानी कि 32 + 96, x का मान कितना हो गया 32 डिग्री। जब x 32 हो गया तो y कितना होगा, यहां पर से आप लिख सकते हैं 2 गुना 32 या डायरेक्ट बोल सकते हैं 64 डिग्री। तो y का मान कितना हो गया 64 डिग्री, और यही आपसे पूछा जा रहा था y कितना होगा। दैट मींस कहने का मतलब y है जो कोण CAE है, यहां देख सकते हैं CAE या EAC, ये आपका कितना हो गया 64 डिग्री, और 64 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर दिया है कितना, दो नंबर ऑप्शंस, ऑप्शंस में डिग्री नहीं लिखा है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, डिग्री में पूछ रहा है। इसके बाद क्वेश्चंस नंबर 9 के बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर देखिए 10 नंबर क्वेश्चंस आपका पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल परीक्षा प्रथम पाली 6 मार्च 2018 को, दो रेखाखंड एबी और सीडी के सर्वांगसम होने के लिए नीचे दिए गए शर्तों में से कौन सा सही है। पहला एबी बराबर सीडी, तो यही तो सही है क्योंकि देखिए आपका दो रेखाखंड है, ये आपका एबी है और दूसरा आपका सीडी, सीडी ऐसा लेना है कि दोनों सर्वांगसम हो जाए, तो सर्वांगसम होने के लिए मतलब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों बराबर लंबाई को होगा, मतलब ये अगर जो 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का ही रहना चाहिए और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप होना चाहिए। दैट मींस कहने का मतलब ओवरलैप होने का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए। तो कब होगा ऐसा, दैट मींस कहने का मतलब एबी बराबर सीडी रहेगा तभी आपका सर्वांगसम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वांगसम होने के लिए शायद यही कंडीशन होता है, आपको तो ये मालूम होगा ही, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम बता दिए सर्वांगसम कब होता है, दो ज्यामितीय आकृति सर्वांगसम होते हैं यदि उनके आकार और माप दोनों बराबर होते हैं, ये आप पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में शायद। ये एबी बराबर सीडी ऑप्शन नंबर कितना दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 के बाद 11 यही बता रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 10+2 एलडीसी डीईओ एवं पीएएसए परीक्षा 20 दिसंबर 2015 को आपका ये इस प्रकार से फर्स्ट दिया गया है, टीएफ नंबर भी दिया गया है 9692918 इस प्रकार से। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यदि किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का 1/4 है, आप जानते हैं कोई भी कोण मान लीजिए कि थीटा है तो उसका पूरक 90 माइनस थीटा और थीटा का संपूरक 180 माइनस थीटा, आपको पता होगा। यहां पर हम लिख देते हैं कि कोई भी कोण है, कोण को हमने मान लिया थीटा। क्वेश्चंस में देखिए क्या लिखा है कि किसी कोण का पूरक, पूरक कहने का मतलब कितना 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर है,
तो किसी कोण का पूरक उसके संपूरक का एक चौथाई है, उसके संपूरक का एक चौथाई है। संपूरक कहने का मतलब थीटा का संपूरक 180 माइनस थीटा का एक चौथाई मतलब 1/4 गुना है। तो 4 से इधर पहले गुना होगा तो 90 गुना 4 कितना हो जाएगा 360 और माइनस ये 4 गुना थीटा तो 4 थीटा और ये 180 माइनस थीटा गुना 1 तो 180 माइनस थीटा ही होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो आप यहां पर से देखिए ध्यान से, ये माइनस 4 थीटा इधर आएगा तो प्लस 4 थीटा हो जाएगा और माइनस थीटा ऑलरेडी है इधर 360 डिग्री है और ये प्लस 180 इधर आएगा तो माइनस 180 दैट मींस 180 बराबर कितना हो गया 3 थीटा और इस प्रकार से 60 / 180 होता है ना, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री ऑप्शंस नंबर दिया गया है ये फर्स्ट नंबर ऑप्शंस। इसके बाद यहीं पर बता रहे हैं आपको लास्ट क्वेश्चंस इस टाइप का मतलब टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चंस है 12 नंबर क्वेश्चंस। एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हैं के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप बताएं। किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप का फार्मूला ही होता है, यहां पर लिख देते हैं हम किसी भी समबाहुभुज के लिए, ये आपको पता होना चाहिए किसी भी समबाहुभुज के लिए, किसी भी समबाहुभुज के लिए प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है। अगर जो आपको नहीं पता है तो देखिए हम यहां पर बता रहे हैं प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 गुना 180 डिग्री बटा n। प्रत्येक आंतरिक कोणों का योगफल कहता तो n माइनस 2 गुना 180 रहने देते, लेकिन सिर्फ आंतरिक कोणों का योगफल कहता तो n माइनस 2 गुना 180 प्रत्येक कह रहा है तो n से डिवाइड करेंगे। आपको n की जगह पर कितना दिया है क्वेश्चंस में 8 भुजा है, n की जगह पर 8 दिया है, कहने का मतलब 8 भुजाएं आपके क्वेश्चंस में दिया है, 8 भुजाएं हैं तो n का मान 8 दिया है ना, तो 8 रखेंगे यहां पर तो 8 माइनस 2 गुना 180 बटा 8, यहां पर 8 माइनस 2 6 गुना 180 बटा 8 करेंगे इस प्रकार से तो 2 चौके 8 45 चौके 180 2 3 6 तो 3 गुना 45 कहने का मतलब 45 / 135 डिग्री और 135 आपको ऑप्शंस नंबर दिया गया है फर्स्ट नंबर ऑप्शंस। तो देख सकते हैं यहां पर आपको टाइप 1 इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका टाइप 2 है, टाइप 1 में आप देख सकते हैं टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 12 क्वेश्चंस है, उसके बाद टाइप आपका 2 स्टार्ट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो फीलिंग होता है कमेंट्स जरूर करें, हम टाइप 10 का आपके कमेंट्स पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस नंबर आपको पता होगा 15 तक कंप्लीट करा चुके हैं, अब क्वेश्चंस नंबर 16 से वो रात में वीडियो अपलोड हो जाएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल में सिलेक्ट कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही आप सबसे पहले उसे देख सके। कमेंट्स जरूर करें।